देखिए, गुजारिश ये है कि जो अहम बात आमिर भाई ने भी की है, आपने भी जिस तरफ इशारा किया है, ये कबूलियत और मकबूलियत जो है ये बहुत संजीदा बहस है। इसको सिर्फ सुहेल विराज साहब के कोर्ट तक नहीं रहना चाहिए। देखिए, कबूल जो करते हैं वो सबको पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, आसमा को भी पता है, आमिर भाई को भी पता है। लेकिन उन कबूल करने वालों के साथ खान साहब ने जो कर छोड़ी है, उसके बाद उनसे ये तवक्को रखना कि वो फिर उसको कबूल कर लेंगे, मेरे ख्याल से दानिशमंदी से इनराफ और इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। आप मुझे बताइए कि जो कुछ कह दिया गया है वो कभी कहा गया था पहले? कभी किसी ने सिटिंग आर्मी चीफ को गद्दार और मीर जाफर मीर सादिक कहा था? तो फिर उनसे तो तवक्का छोड़ दें, और कोई कबूल करने वाला नहीं है। अब रह गई बात के सारा दारोमदार अब छोड़ दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उनका नेमुल बदल होगी, और कोशिश भी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो सकती है। जिस तरह के फैसले हुए हैं, जिस तरह के जमानतों के जुमा बाजार लगे हुए हैं, उसके ऊपर बेपनाह बात हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर तवक्को के लिए फोकस शिफ्ट होकर दूसरी तरफ आ गया है, तो हुकूमत भी उतनी ही डिफेंसिव भी है, और वो भी हर बे ढूंढ रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त इलेक्शन अगर होते हैं तो खान साहब जीत जाएंगे। खान साहब जीत जाएंगे तो वो सब जेल जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब वो बार बार ललकार के अब भी यही कह रहे हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर ये कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि खान साहब के हाथ हुकूमत ना लगे? बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। दो तीन चार लीडरों ने कहा कि हाँ जी बात हो सकती है, इलेक्शन की डेट अगर आप दे दें, खान साहब फिर कहते हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये जो इस वक्त मंजरनामा है, ये ऊंट किसी तरफ बैठता दिखाई नहीं देता है। दो मरतबा हाल ही में उस कबूल करने वालों की तरफ से ये कह दिया गया कि हम तो भाई किसी के साथ नहीं है। अगर मैं हवाला दूं आपको, जो कराची के जो बिजनेस ट्रेडर के ट्रेड के जो लोग थे, उनसे मुलाकात में ये बात आर्मी चीफ की तरफ से कोट की गई कि भाई हमारी जान छोड़ें, अपने आप निपटें, इसीलिए तो दूसरे शेर हो गए हैं। आप मेरी बात समझ रही है ना नसीम बीबी? आप समझती है मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहना यह है कि ये जो इतवार के रोज कैबिनेट के इजलास हो रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल के लड़ाई चली जा रही है, ये जो पार्लियामेंट की छतरी ओढ़ ली गई है, ये जो पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने के अचानक ख्वाब आने शुरू हो गए हैं, ये सब कुछ खान साहब को इकतदार से परे रखने के यानी के तरीके हैं। कार कह लीजिए आप, जो भी जो बेशक। अच्छा आसमा, जरा अब आप आइए, आप बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जो कबूलियत और मकबूलियत वाली बात है, देखिए मकबूलियत जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो बिल्कुल बहुत थी, बिल्कुल, लेकिन कबूलियत नहीं थी। और अभी इमरान खान साहब की मकबूलियत होगी, बिल्कुल उसका अंदाजा इंतखाबात में भी हो जाएगा, लेकिन कबूलियत का जहां तक सवाल है, तो थोड़ी देर पहले मैं सुनी रही थी उनकी एक तकरीर का, वो अभी जो आज उन्होंने तकरीर की है, तो उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो अमरीकी साजिश नहीं थी, खुद ही कहा। एक साल बाद 9 अप्रैल की आज की रात उनके लिए बड़ी अहम है, उसमें उन्होंने कहा जी ये अमरीकी साजिश नहीं थी, ये तो मुझे पता चला ये तो मकामी साजिश थी। और लेकिन हुसैन अफगानी जो थे वो इसके अंदर उन्होंने अपना किरदार जो है वो अदा किया। अब पहले तो इमरान खान साहब ये फैसला कर लें कि वो जो साइफर का ड्रामा उन्होंने किया था वो क्यों किया था, वो जो गद्दारी के लेबल न्यूट्रल जानवर होते हैं, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत, और फिर एब्सोल्युटली नॉट, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था, वो फिर उन्होंने क्यों बनाया, और क्या अगर उन्होंने उस वक्त ये बनाया था तो वो बात दुरुस्त थी या अब ये बात दुरुस्त है, और क्या अगर इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप सरबराह हुकूमत बात करते हैं अगर, तो क्या वो स्टेट ऑफ माइंड दुरुस्त था या अब जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है? क्या इसी बात के ऊपर अब भी जो प्रॉब्लम है सियासी जमातों को, या आप भी जानती है, हम भी यहाँ लोगों से बात करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को वो पैगाम भिजवा रहे हैं, तो एक ही जवाब आगे से आता है कि आपकी गारंटी क्या है कि आप अपनी बात पे टिके रहेंगे? तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बदएतमादी है, जो कि प्योरली इमरान खान साहब ने क्रिएट किए, किसी और ने नहीं की। और हैविंग सेड दैट, इसका बहुत ज्यादा नुकसान इस हुकूमत को, जो भी इसका मामला है या इनकी जो भी इनकी नाकामियां हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब अगर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ चलेंगे तो कौन कबूल करेगा उसको? उनका वोटर भी एक साल के बाद ये सोच रहा है कि वो जो साइफर का अमरीकी साजिश का बयानिया था वो क्या हुआ, और एक साल में उनका बयानिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और वो बयानिया कितना गलत था कि आज वो खुद एक छोटे मुख्तसर सी बड़े हंस के वो कहते हैं कि
कि वो तो अमरीकी साजिश, वो डोनाल्ड लू तो सबको याद हो गया पाकिस्तान के अंदर, भूल गए तो इमरान खान साहब भूल गए, वो एब्सोल्युटली नॉट तो सबको जो है वो याद रह गया, लेकिन इमरान खान साहब उसको भूल गए। अब जो उनकी जलमे खलील जात की ट्वीटें आ रही हैं और बाकी चीजें आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि कबूलियत का मसला नहीं है इस वक्त, मसला इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि वो एतमाद की फिजा कैसे कायम होगी जहां पे इमरान खान साहब ने खड़ा कर दिया। आज तो बल्कि उन्होंने एक और भी बात बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा मुझे एक साल पहले एक मिडिल ईस्ट के हुक्मरान ने बता दिया था कि आप जो है उनके आपको हटाने की बात हो रही है, एक साल पहले अगर बता दिया था तो उसके बीच में तो आपने बहुत सारे काम किए जो कि वन बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के थे, वो आपने क्यों किए? आपको याद होगा इसी जनवरी में, फरवरी में ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का मामला शुरू हो गया, उसी जनवरी के अंदर जो है वो पीका लॉज और बाकी जो दीगर लॉज थे उसकी बात हो रही थी, वो कौन करवा रहा था? तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तो मामला यही होगा और यही एक्सपोज चीजें हुई है पिछले एक साल में कि बयानिया जो था वो कहाँ था और अब कहाँ हो गया, और यही कबूलियत का मामला थी। हाँ, अब ये बात तो दुरुस्त है कि कशीदगी सख्त है हुकूमत इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो फिर उसी के नतीजे में तो आसमां सवाल उठा लेते हैं ना सोहेल वड़ाइत साहब जैसे लोग के कबूलियत और मकबूलियत। और आपने ये भी ठीक कहा कि नवाज शरीफ साहब भी, तो यही मैं कह रही थी ना कि हमारी तारीख में कबूलियत और मकबूलियत आज की बात तो नहीं है, ये तो बहुत अदवार में बहुत सियासतदानों ने दे हैव सफर्ड थ्रू कबूलियत और मकबूलियत। तो ये अब सो आमिर व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? ये मतलब देखिए ना, सब बात अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लुबे लुबाब ये है कि कशीदगी की इंतहा है और लग रहा है फिलहाल तो आइन को साइड पे रखा हुआ, बात यही हो रही है कि जी इन रियल पॉलिटिक क्या सिचुएशन है और क्या ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के दरमियान। वे फॉरवर्ड वो कहते हैं कि डोर जिसने सुलझाई वही उसको कहते हैं ना, उलझाई माफ कीजिएगा, डोर जिसने उलझाई है वही सुलझाने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। तो इस वक्त जो हमें पता है कि जो पावर दैट बी है, क्योंकि बहुत जो कुछ हम देखते हैं कि इस मुल्क की सियासत में खलफिशार आया उस वक्त से आया कि जब से न्यूट्रलिटी का ऐलान हुआ, गैर जानबदार होने का ऐलान हुआ। बाज तजियाकार ये कहते हैं कि क्योंकि हमारी फौज अपने रिवायती किरदार से हट गई, फौज का रिवायती किरदार हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी वो था कि जी स्टेट इंटरेस्ट के अंदर चीजों को बैलेंस किया करते थे। आपने अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि जी एकदम हाथ उठा लिए और अब उनके कोई अमल दखल नहीं है सियासत के अंदर, तो फिर आपको संभालने के लिए कुछ डेप्थ हैंडलिंग करनी पड़ेगी, और वो ये होगी, ये नहीं होगी कि किसी कि आप करप्शन को एंडोर्स करवा दें या आप ऐसे किसी गैर मकबूल लीडर को लोगों के सर पर मुसल्लत करने में काम दें, बल्कि वो काम करें कि जिससे जमहूरियत आपका निज़ाम और आइन जो है मजबूत हो। और उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये कि एक तो ज़ाहिर है कि एक कहीं ना कहीं पर मिडिल ग्राउंड लेकर आए और इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेके जाए। अगर कहते हैं PMLN की इंटरप्रिटेशन से देखा जाए तो अक्टूबर में होने हैं, PTI का मुतालबा है कि जरा से जल्दी हो जाए 2-4 महीने, तो ये इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन असल मसला कुछ और है। हमारे यहाँ जितना जोर बयान सर्व किया जाता है कि जनाब इमरान खान ने ये किया वो किया, बिल्कुल किया होगा, उनकी फैसले उन्होंने बदले, यू टर्न लिए, लेकिन ये तमाम के तमाम नसीब हमसे बेहतर जानते हो कि फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगे। क्योंकि आज की अगर मौजूदा तारीख को देखेगा वो कहेगा जी सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन क्या था, सबसे बड़ा मसला क्या था? सबसे बड़ा मसला ये कि इस मुल्क पे जो मुझे तो अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं, 32 साल हो गए जर्नलिज्म में, सबसे नाकाम तरीन हुकूमत आपको नजर आती जो इस वक्त बैठी हुई है। नाकाम इसलिए कि उसने मईशत को, अगर इमरान खान के दौर में 11-12% इफराते दर था, 13% था, तो आज आपने मतलब है वो 35% मार्च का आया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन 45-46% के दरमियान झूल रहा है, यहाँ पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आ रही है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, हिसाबदार जरूर है क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के समधी है, तो इसलिए वो वजीर खजाना है, और आपको पता है कि वो पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वजीर खजाना है। क्यों वजीर खजाना नाकाम तरीन है कि जब भी आए उन्होंने मईशत को बदहाल किया, पहले आए थे तो एक्सपोर्ट्स कम हो गई, उससे पहले आए कुछ और किया, इस मरतबा जो कुछ किया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं, मुफ्ती इस्माइल का कभी आप अकेले में डिटेल। हाँ, डिपेंड करता है किस कैंप से बात करें हम, ये बात दुरुस्त है। बात उन्हीं की पार्टी है ना, जी जी, उन्हीं की है। मतलब कि जब वो गए थे, जब वो गए थे तो वैसे एक ये भी तो बात है आमिर के, एक बात, एक पॉइंट और मुझे अगर आप सॉरी जी वेरी क्विकली बात हो रही है ना, वेरी क्विकली ये जो बात हो रही है ना कि फौज कबूल नहीं करेगी, देखिए यही फौज थी। अगर आप याद करें मुशरफ साहब के बाद ना बेनजीर साहिबा काबिल कबूल थी और ना नवाज शरीफ काबिल कबूल था। 2007 तक इनका कोई नाम लेवा आपको नजर नहीं आ रहा था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में।
ठीक है, यही बात जब नवाज शरीफ को हटाया इसके बाद आप देखते हैं कि बाजवा साहब के दौर में किसने सोचा था कि अच्छा, आप इसे अभी ठीक बात, ठीक बात कह रहे हैं, मोनोलिथ नहीं होती, नहीं आप खल्फिशार की बात कह रहे थे आमिर, ये मैं कहना इसमें जी फरमाइए, नहीं नहीं आप खल्फिशार की बात कह रहे थे ना, तो खल्फिशार ये तो नहीं शुरू हुआ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, खल्फिशार तो जब भी शुरू हुआ जब नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया गया, और उसके बारे में कौन उसकी तस्दीक करता है उन तमाम गेम्स की अलावा के फॉर्मर आर्मी चीफ, तो ये भी मामलात हैं, पेचीदगियां बहुत